कमल एक बहुत ही साधारण परिवार से था। उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी उतनी अच्छी नहीं थी। दुद्दुमल एक छोटे से घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। दुद्दुमल के पास अपना एक छोटा सा खेत भी था, परंतु वो बहुत ही आलसी था। खेती करने में उसे बहुत ही मेहनत लगती थी और दुद्दुमल को उतनी मेहनत करनी नहीं थी, इसीलिए वो उस खेत में कभी ठीक से खेती नहीं किया करता, जिस वजह से उन्हें ज्यादा मुनाफा भी नहीं मिलता था। और इसी बात से उसकी पत्नी उससे नाराज थी। ए जी, हमारे पास ये इतना अच्छा खेत है, तो आप खेती क्यों नहीं करते? इससे हमें अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं और हमारी ये जो गरीबी है ये भी दूर हो सकती है। इस पर दुद्दुमल ने कहा, अरे कौन इतनी मेहनत करे, इतनी धूप में रोज मेहनत करनी पड़ती है, मुझसे ऐसा परिश्रम नहीं हो पाएगा। तो एक काम करो, बेच ही दो इस खेत को, कम से कम हमें थोड़े पैसे तो मिल जाएंगे और किसी दूसरे व्यक्ति को ये खेत काम आ जाएगा। इस पर दुद्दुमल ने कहा, ठीक है, सोचता हूँ मैं कुछ इसके बारे में। थोड़ी देर सोचने के बाद दुद्दुमल के मन में ख्याल आया। एक काम करता हूँ, मैं इस खेत को बेच देता हूँ और फिर जो हमें इससे पैसे मिलेंगे उससे मैं एक गाय खरीदूंगा। फिर रोज उस गाय का दूध निकाल कर मैं उसे बेच आऊंगा। इसमें मुझे ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा और बदले में पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। क्या कहती हो? जी, जैसा आपको ठीक लगे। अगले दिन दुद्दुमल ने अपना खेत बेच दिया और फिर जो पैसे उसे मिले उन पैसों से वो तबेले में गाय खरीदने गया। भाई साहब, मुझे एक गाय दिखाइए, ऐसी गाय जो तंदुरुस्त हो और काफी सारा दूध दे सके। वो इस पर तबेले वाले ने कहा, देखो, वो जो सफेद गाय है वो बहुत ही तंदुरुस्त है और बाकी गायों से बहुत ज्यादा दूध देती है। दुद्दुमल ने तबेले वाले को पैसे दिए और फिर वो उस गाय को लेकर अपने घर चला गया। घर के बाहर उसने अपनी गाय को बांधा और फिर उसके लिए चारा लेकर आया। खा गैया माता, चारा खा और फिर मुझे कल ताजा ताजा दूध दे। उस रात दुद्दुमल बहुत ही खुश था क्योंकि कल से वो नया व्यवसाय शुरू करने जा रहा था। अगले दिन दुद्दुमल सुबह जल्दी उठा और गाय का दूध निकालने लगा। उसकी गाय ने काफी सारा दूध दिया और इस बात से दुद्दुमल बहुत ही खुश भी था। फिर वो उस दूध को घर घर जाकर बेचने लगा। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो। कितने का है ये दूध? इस पर दुद्दुमल ने कहा, 1 लीटर का 30 रुपए। हाँ, अरे वाह, इतना सस्ता। मैंने आज ही नया व्यवसाय शुरू किया है, इसीलिए मैं कम दाम में ग्राहकों को दूध बेच रहा हूँ। ठीक है, अब से मैं तुमसे ही दूध खरीदूंगी। अब इसी तरह दुद्दुमल लोगों के घर जा जाकर दूध बेचने लगा। दूध बेच बेच कर अब उसे काफी मुनाफा भी होने लगा था। इस व्यवसाय से मुझे काफी मुनाफा हो रहा है, क्यों ना मैं इस मुनाफे से एक साइकिल ले लूं? मुझे चलना भी नहीं पड़ेगा और मैं फटाफट दूध बेच आऊंगा। अगले दिन उसने अपने लिए एक साइकिल ले ली। अब से वो साइकिल लेकर ही दूध बेचने जाता। अब कुछ दिन बीत गए। एक दिन दुद्दुमल की पत्नी ने उसे कहा, ए जी, माना कि अब हम मुनाफा कमाने लगे हैं, पर क्यों ना हम ज्यादा मुनाफा कमाएं? इस पर दुद्दुमल ने कहा, हाँ भाग्यवान, मुझे भी ज्यादा मुनाफा पाना है, पर कैसे कमाऊँ ज्यादा मुनाफा? जितना दूध ये गाय देती है उतना तो मैं बेच आता हूँ, तो फिर और मुनाफा कैसे कमाऊँ? इस पर उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना हम एक और गाय ले ले? तो अरे नहीं, एक और गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। अभी तो ये नई नई साइकिल ली है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हमें खर्चा ना करना पड़े और बदले में हमें मुनाफा ज्यादा मिले। थोड़ी देर सोचने के बाद दुद्दुमल की पत्नी के मन में ख्याल आया।
क्यों ना आप दूध में पानी मिला दे? ऐसा करने से दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी और मुनाफा भी बढ़ जाएगा। इस पर दुद्दुमल ने कहा, अरे नहीं, ये तो लोगों के साथ धोखा होगा। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जाओ, आप तो रहने ही दो, आपसे कुछ नहीं होने वाला। हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे जिंदगी भर। सभी लोग मिलावट करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हुँ। दुद्दुमल अब सोचने लगा। मेरी पत्नी सही तो कह रही है, सभी लोग मिलावट तो करते ही है ज्यादा मुनाफा पाने के लिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। थोड़ा सा ही पानी मिलाऊंगा ताकि लोगों को पता ना चले इसके बारे में। अगली सुबह उसने गाय का दूध निकाला और फिर वो नदी के किनारे चला गया। वहां उसने दूध के बर्तन में थोड़ा सा पानी मिलाया। अब उसके पास पहले से थोड़ा सा ज्यादा दूध था। उस दिन उसने पूरे गांव में सारा का सारा दूध बेच दिया। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। अरे भाई सुनो तो, 1 लीटर दूध मिलेगा क्या? इस पर दुद्दुमल ने कहा, नहीं भाई, मुझे माफ करना, आज तो सारा दूध खत्म हो गया। और ऐसा कहकर वो अपने घर चला गया। रात को सोते समय वो सोचने लगा, आज मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौटा है, कल से मैं दूध में और पानी मिलाऊंगा। वैसे भी आज किसी को पता नहीं चला कि मैंने दूध में पानी मिलाया है, तो कल से मैं थोड़ा और पानी मिलाऊंगा। अगले दिन उसने दूध में और ज्यादा पानी मिलाया और फिर वो उस दूध को गांव में बेच आया। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और अब वो बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमाने लगा था। इसी बात से अब उसकी पत्नी भी बहुत ही खुश थी, क्योंकि उन पैसों से वो अपने सारे शौक पूरे कर पा रही थी। एक दिन दुद्दुमल नदी से पानी भर रहा था, तभी एक आदमी ने उसे देख लिया। फिर वो आदमी तुरंत गांव के सरपंच के पास गया और उसने सरपंच को सारी घटना बताई। सरपंच भी ये बात सुनकर हैरान हो गए। अब धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि दुद्दुमल नदी का पानी दूध में मिलाता है। अब से लोगों ने दुद्दुमल से दूध लेना बंद कर दिया। अरे बहन, आज मैं आपको कितने लीटर दूध दूँ? मुझे अब तुमसे दूध नहीं खरीदना। मुझे पता है तुम दूध में पानी मिलाते हो। मुझे कुछ दिनों पहले ही शक हुआ था कि तुम्हारा दूध पहले जैसा शुद्ध नहीं है। अब से यहाँ पर दूध बेचने की कोई जरूरत नहीं है। दुद्दुमल ये सुनकर अब चिंतित हो गया। अब से कोई भी उसके पास से दूध नहीं खरीदता था। दुद्दुमल का व्यवसाय अब डूबने लगा था। वो समझ गया कि ज्यादा मुनाफा पाने की लालच में उससे बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। उसने सभी गांव वालों से जा जाकर माफी मांगी और उन्हें उनके पैसे भी वापस दे दिए। और उस दिन के बाद से दुद्दुमल गांव में शुद्ध और ताजा ही दूध बेचने लगा। अब उसने दूध में मिलावट करना बंद कर दिया और फिर थोड़े ही समय में उसने इतना सारा मुनाफा कमा लिया कि उसने अपने लिए 2-3 और गाय खरीद ली। और बस फिर इसी तरह उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। जादुई डिब्बा। एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। लकड़हारा सुबह सुबह लकड़ियां काटने जाता और फिर शाम को उन लकड़ियों को बेच आता बाजार में। लकड़हारा बहुत ही मेहनती था, पर वो बेचारा ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। वो उतना कमा लेता जिससे कि उसके परिवार को 2 वक्त का खाना मिल जाता। लकड़हारा अपनी जिंदगी से काफी संतुष्ट था, पर उसकी पत्नी नाखुश थी। वो हमेशा और ज्यादा पैसे पाने की लालच रखती थी और इसी कारण से वो अपने पति से हमेशा झगड़ती रहती और ताने मारती रहती। ए जी, सुनते हो? तुम ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमाते? इतने से पैसों से क्या होगा? हमें 2 वक्त का खाना मिल जाता है, ये काफी नहीं है, हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। ये सब मैं नहीं जानती, तुम बस ज्यादा पैसे कमाओ।
अपनी बीवी के यह रोज रोज के ताने सुनकर वो लकड़हारा तंग आ गया था। इस बार उसने सोचा कि जब तक वो अच्छे खासे पैसे कमा नहीं लेता, तब तक वो घर नहीं लौटेगा। लकड़हारा घर से बाहर निकल गया और एक नदी के किनारे जाकर शांति से सोचने लगा कि आखिर उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसे बहुत ज्यादा पैसे मिले। नदी के दूसरे किनारे पर एक महात्मा साधु बैठे हुए थे। बेचारे लकड़हारे को इस तरह परेशान देखकर वो उसके पास गए और बोले, बेटा तुम इतने चिंतित क्यों हो? किस बात की परेशानी है तुम्हें? जरा मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गुरुजी प्रणाम, मैं बहुत गरीब हूँ और इस बात से मेरी बीवी मुझसे खुश नहीं है। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ पर उतना पैसा नहीं कमा पाता। तो मैंने आज तय कर लिया है कि जब तक मैं अच्छे खासे पैसे नहीं कमा लेता, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। साधु को लकड़हारे की बातों में सच्चाई नजर आई और उसे उस पर दया आ गई। उन्होंने लकड़हारे को एक डिब्बा दिया और कहा, बेटा ये डिब्बा तुम अपने पास रखो, ये कोई ऐसा वैसा डिब्बा नहीं है, ये एक जादुई डिब्बा है। इस डिब्बे को जब तुम उल्टा करोगे तो इसमें से एक सोने का सिक्का निकलेगा, पर ध्यान रहे इस डिब्बे को दिन में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना। लकड़हारा ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया और साधु को धन्यवाद कहकर वो अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में वो सोचने लगा, अब तो मेरी पत्नी बहुत खुश होगी, अब वो मुझे ताने नहीं मारेगी। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को बुलाया और वो डिब्बा दिखाया और साधु की सारी बातें उसे बताई। ये सुनकर पत्नी बहुत ही खुश हो गई और सोचने लगी कि अब वो आराम की जिंदगी बिताएगी। वो हर रोज एक बार डिब्बे को उल्टा करती और उसमें से एक सोने का सिक्का बाहर निकलता। उनका जीवन अब आराम पूर्वक बीतने लगा। थोड़े दिन बीत गए और एक दिन उसकी पत्नी के मन में ख्याल आया, इसमें से हर रोज एक सोने का सिक्का निकलता है, जरूर इस डिब्बे के अंदर बहुत सारे सिक्के होंगे, क्यों ना मैं इस डिब्बे को खोलकर सारे सिक्के निकाल दूं। उसने डिब्बे को खोलने का बहुत प्रयास किया पर डिब्बा खुला नहीं। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस डिब्बे को गिराकर तोड़ देती हूँ और सारे सोने के सिक्के निकाल लेती हूँ। उसने डिब्बे को जोर से जमीन की तरफ फेंका और डिब्बा टूट गया। उसमें से